नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के प्रदेश सचिव अजय बंजारा के नेतृत्व में आज आबू रोड उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह खिंचर को आबू रोड की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। अजय बंजारा ने बताया, आबू रोड में जगह जगह गड्ढे हैं एवं उनमें बरसाती पानी का भराव होने से कई दुर्घटना हो रही है। शहर के जगदीश चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड और दूसरी ओर सिंधी कॉलोनी चौराहे से हरियाणी चौराहे तक, हरियाणी चौराहे से केसरगंज पंचायत समिति के बाहर तक बहुत बड़े बड़े गड्ढे होने से रोड की दुर्दशा बहुत ही खराब हो रही है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं जिससे आम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जनता में भारी आक्रोश है, इन रोडों पर कई दुर्घटना हो चुकी है एवं बारिश के मौसम में पानी भराव के कारण आए दिन राहगीर जमी दोष हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के स्कूल बस, स्कूल ऑटो एवं दो पहिया वाहनों से बच्चे स्कूल जाते हैं। यह रोड स्कूल जाने का मुख्य मार्ग है जिससे हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। पर्यटक भी इन्हीं रास्तों से माउंट आबू एवं अंबाजी आते जाते रहते हैं। काफ़ी लंबे समय से यह रोड दुर्दशा का शिकार हो रहा है। आबू रोड नगर पालिका को इस गंभीर समस्या से कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आबू रोड नगर पालिका के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सारे सरकारी अधिकारी एवं खास लोग भी इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिसे देखते हुए आज ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसे रोड को शीघ्र दुरुस्त करने का आग्रह किया गया। आग्रह करने वाले पदाधिकारी जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के जिला अध्यक्ष भवनीश बारोट, राजस्थान प्रदेश धोबी समाज के प्रदेश अध्यक्ष नवीन सांखला, कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के ब्लॉक अध्यक्ष रमेश बंजारा, जिला उपाध्यक्ष शकील कुरेशी, जिला सत्कर्ता समिति सदस्य मुकेश जिनगर, एडवोकेट सुनील परिहार, नरेश भूरा, एससी प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष तोलाराम मेघवाल, युवक कांग्रेस के अजय राणा आदि मौजूद रहे। आज हम ओबीसी के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने उपखंड अधिकारी कार्यालय में जाकर आबू रोड में जो सड़कें टूटी हुई है बारिश की वजह से और एलएनटी और रूडीप द्वारा कार्य जो चल रहे हैं तब से और बारिश से इतनी खस्ता हाल हो रखी है, जिससे आबू रोड की, आबू रोड में आने वाले पर्यटकों, आबू रोड के लोकल दोपहिया वाहन वालों को और स्कूल बसें वालों को, इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उस संदर्भ में आज हमने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन पेश किया। देवनगरी इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।